नमस्कार दोस्त। हमारी जिंदगी में शिक्षा देने के लिए माँ बाप दादी दादाजी सभी होते हैं और उनसे हमें कोई ना कोई नई बात और नई शिक्षा मिलती ही रहती है। वैसे ही हमारे शरीर से भी जुड़ी हुई है, हमारे शरीर के अंग भी हमें कोई ना कोई शिक्षा जरूर प्रदान करते हैं। आपने सुना भी है और देखा भी है कि हम सीधे ही हाथ से कार्य करते हैं, कभी भी उल्टे हाथ से कार्य नहीं करते। और माना भी जाता है, हमारी दादी भी मना करती हैं, उल्टे हाथ से काम करना अशुभ माना जाता है। ऐसे ही हमारे कई ऐसे कार्य हैं जो हमारे शरीर के अंगों से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि हम उन अंगों से अगर काम करते हैं तो वह कार्य अच्छे होने की जगह पर बुरे हो जाते हैं। तो ऐसे ही आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं वीडियो कि जिसके दौरान पता चलेगा आपको कि हमारे हाथ भी हमें शिक्षा देते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का हाथ, उसने कहा कि अगर मैं हाथ की इस प्रकार से मुट्ठी बना लूँ तो क्या समझते हो? तो उसने कहा ये मुट्ठी हमारी विकलांगता को दर्शाती है। विकलांगता होने का मतलब ये नहीं कि हमारा उससे मुट्ठी से काम नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारी मुट्ठियाँ सारी बंद हो जाती हैं, यानी कि इस प्रकार से बंद हो जाती है, तो उसमें हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ना किसी चीज़ को हम छू सकते हैं, ना उसे महसूस कर सकते हैं, और ना ही किसी चीज़ को हम पकड़ सकते हैं। तो उससे पूछने के बाद उसने कहा ठीक है, अच्छा मैं इस हाथ को अगर फ्लैट कर दूँ, यानी कि इस प्रकार से दिखा दूँ, तो उसका क्या मतलब समझते हो? तो उसने कहा ये भी विकलांगता का ही एक रूप है। उसने कहा वो कैसे? कहने उसका मतलब उसने बताया ना, और औरत ने बोला कि ये इसका मतलब आप अगर समझ जाती तो वह आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हाथ ही है जिससे हमें शिक्षा मिलती है, क्योंकि हमारे हाथ ही हमारी विशेषता और हमारे विकर्ण को बताते हैं कि हम लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि हाथों की जो हस्तरेखाएं होती हैं उसमें हमारा सारा फ्यूचर होता है, और जो भी फ्यूचर होता है उसके हिसाब से हमें आगे तक की ज़िंदगी के बारे में पता चल जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति को अपने बारे में उत्सुकता होती है जानने की, तो वह व्यक्ति पहले पंडित के पास अपना हाथ ही लेकर जाता है और उसे कहता है कि देखिए मेरे हाथ में क्या भविष्य होगा और आगे की ज़िंदगी मेरी कैसी होगी, सुखद होगी या फिर कोई परेशानी होगी। तो पंडित भी उसकी हाथों की रेखा देखकर ही बताता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो इसलिए हमारे हाथ हमें सबसे बड़ी शिक्षा प्रदान करते हैं। अगर हमारे हाथ नहीं होते तो इसका मतलब हमारी ज़िंदगी में फ्यूचर तो होगा, लेकिन जो विकलांगता के साथ होगा, परेशानियों के साथ होगा, उसका जो हमें पहले से ही आभास हो जाता है या ज्ञान हो जाता है, उसके बारे में हमें नहीं पता चलता। इसलिए कहा जाता है कि हाथ हमें सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं। तो ये है हाथ हमें शिक्षा किस प्रकार देते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।